तो यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस जो है ना चेंज कर लिया और इसके अलावा सारा मेकअप निकाल लिया। अब जल्दी से अपना मेकअप करती हूँ और बाद में दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। इसके साथ का जो ट्राउजर था वो अभी भी नहीं मिला, तो मैंने इसका दूसरे सूट के साथ का ट्राउजर मैच किया है। मैच थोड़ा बहुत हो तो रहा है, वैसा नहीं लग रहा। इसके साथ का बहुत प्यारा था, तो इस तरीके की ये मेरी लॉन्ग शर्ट बनी हुई थी। नीचे ट्राउजर इसके हिसाब का था, वो नहीं मिला। चलो अब ये भी मैचिंग हो रहा है। अभी हम तैयार हो गए हैं, बस एंड में मैंने जल्दी जल्दी से अपना मेकअप किया है। एंड में सिर्फ परफ्यूम लगाना है। ओए आयत मेरा मेकअप, फैमिली को हाय करो। हेलो, अभी हम तैयार हो गए हैं, बस नीचे हमारी गाड़ी भी आ गई है। अब यहाँ से निकलते हैं। आपने लगाया परफ्यूम? नहीं, मैं लगाता हूँ। लगाऊं? मैं आपको परफ्यूम लगा देती हूँ। काफी है ये, और लग आप तो ज्यादा लगाते हो। ये लो, खुद ही लगा लो। अभी जो है ना मैं देखती हूँ कि ये वाला सही रहेगा या ये वाला। मुझे लग रहा है ये ब्लैक ज्यादा सही रहेगा, इसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। हाँ, ये वाला लग भी अच्छा रहा है ना, इसके साथ मैच भी हो गया। चलो मैंने जूते पहन लिए, इस तरह के ऐसे मैचिंग हो गया ना। तो ये हो गई हमारी तैयारी। शीशा इतना ज्यादा साफ नहीं है, तो कुछ इसमें ऐसे दिखेगा। अभी हम तैयार हो गए। खुशी तो मेरी आपको दिख रही होगी, खुश तो मैं बहुत ज्यादा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए तो आज का दिन बहुत अच्छा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो जिस दिन आपका खुशी का दिन हो, जिस दिन आप खुश हों, तो उस दिन आपको अच्छे से खुशी से वो दिन एंजॉय करना चाहिए। तो आज मेरा एंजॉय करने का दिन है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और आज मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। आज मेरा आने का यही मकसद था, वुमेन डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो भी हर साल यहाँ पर वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और देखा जाता है कि पिछले इस साल में किसने क्या अचीव किया, किसकी क्या स्ट्रगल थी, क्या मेहनत थी, कहाँ से वो कहाँ तक पहुंचा, तो उसकी मेहनत डल दिया जाता है। और वहां पर मेरी सिलेक्शन हुई, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वहां पर और भी बहुत ज्यादा औरतें होंगी, मतलब आज बहुत मजा आने वाला, बहुत एंजॉय करूंगी इस दिन को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे ये दिन नसीब किया है। और पहली बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आने का मेरा वो नहीं बन रहा था, प्लान नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं अपनी कुछ परेशानियों में थी। तो मुझे अम्मी ने खासतौर पे बहुत ज्यादा, मेरी अम्मी, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत बोला कि नहीं, ऐसे दिन जो है ना, ऐसे मौके कभी भी नहीं गंवाए जाते। भले दूर है, बच्चों को मैं संभालूंगी, लेकिन जाना जरूर। थैंक यू सो मच अम्मी। तो अम्मी ने इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा बोला कि नहीं, जरूर जाना है। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अम्मी की बात मानी, और ऐसे मौके सच में नहीं गंवाने चाहिए। तो बस चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी ये थी मेरी तैयारी, आप सब भी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। खुशी में कुछ नहीं समझ में आ रहा। आयत को तैयार करा दी, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए, सब बाहर निकल गए, और मैं रेडी थी। हाँ, लाइट्स ऑफ कर दूँ सारी, और एसी तो ऑफ करके गए मेरे हस्बैंड, बस लाइट ऑफ करना। चलो, और मैं ये बैग भी तो भूल रही थी, इस बैग में हमारी आयत की सारी चीज़ें हैं, बस और तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है ना, बस ये कुछ था। ये आए सबसे पहले पहुंची हुई है। आज को तो हम पार्क लेकर जा रहे हैं ना, तो अंदर असल में होटल में फिशन देखना है। इधर देखो, आज मैं आपको पक्का पार्क ले चलूंगी। बस मम्मा का बेबी नहीं है, नहीं रोएगा। अब कहाँ है, जहाँ भी होंगे गाड़ी में रहना, ठीक है? तो अभी हम दूसरी गाड़ी में आ गए, और आयत देखो आते यहाँ पर सो गया, आयत को नींद आ गई है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो फ्रंट पे देखें, कैमरामैन सब आए हुए हैं, तो यहाँ पर सारे फूल ही फूल हैं। थैंक यू सो मच। गाड़ी को ले आए, ऐसा सा पीछे ले आएंगे आप। कैमरा लग गया नीचे। वालेकुम सलाम। आगे आएंगे,
तो हम जैसे यहाँ पर इंटर हुए, एंट्री में ही देखे यहाँ पर ये मेरी पिक्चर लगी हुई, इतना दिल खुश हो गया इसको देख के। सितारा यासीन बेस्ट व्लॉगर। तो वुमेन डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसमें स्पेशली देखें सिर्फ मेरी यहाँ पर पिक्चर मेंशन की है, इसके लिए इतना इतना अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अपनी पिक्चर के साथ अपनी पिक्चर भी क्लिक करवा लूँ, इतना अच्छा लग रहा था ये देखते मुझे अपनी तस्वीर, और वो भी मेरी कश्मीर वाली तस्वीर लगाई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच, ये सब आप सब की वजह से, आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मैं आज इस मकाम पर हूँ। अभी अंदर सब चल रहा है, फंक्शन बहुत ज़्यादा रश है और अभी सारा सेटिंग चल रहा है, तो हमने सोचा थोड़ा सा बाहर जाके वीडियो शूट करके आते हैं। हमारी ताहिरा सिस्टर जिनका बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पर आकर इन्हीं के साथ बनी मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना मुझे इस्लामाबाद का ना ही इन जगहों का कुछ भी पता नहीं है। आज खड़ी हूँ राजा सिकंदर के साथ, उनके ट्रेडर विंग के हो गए प्रेसिडेंट। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ पर हमारा इतना अच्छे से वेलकम किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली भी आपको देख रही है, हमारे 9 लाख से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हैं जो पूरी दुनिया से देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही अच्छे से हमारा वेलकम किया। तो बाकी यहाँ पर देखें बाहर कुछ इस तरीके का है, वो एंट्री थी हमारी उस टाइम जो फूलों की बरसात हुई है। अभी हम फिर से अंदर जा रहे हैं, अंदर बहुत ज़्यादा रश था, तो अभी लगता है शुरू हो गया, हम बाहर रह गए थे। हम उनको भी इस इवेंट में आए और हमारी शान बढ़े। 8 मार्च आलमी योम खवातीन को उजागर करने का मकसद पूरी दुनिया में खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम। वर्ष 1907 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में सैकड़ों खवातीन जो कि गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करती थी जन्नत का हवाला हूँ, मुझे दोज़ख नहीं
घुटन में है मेरी बर्बादी, मुझे भी सांस लेने दो। मुकम्मल रंग है मेरा गुलिस्ताने मोहब्बत में, नहीं हस्ती मेरी आधी, मुझे भी सांस लेने दो। मेरा किरदार लासानी है कौमों की तरक्की में, मेरा है अज़्म फौलादी, मुझे भी सांस लेने दो। वेलकम सितारा यासीन, यू आर प्राउड। आप जैसी ही खवातीन आगे आएंगी तो हमारा माशरा बदलेगा। और जो आज़ादी की बात होती है, अभी मुझसे ज्यादा अगर मान लोग यहाँ पर बात करके जा चुके हैं, बाकी हमारे मसल में बहुत आज़ादी छोटे से इलाके से अपने फॉलोअर्स बनाए और अपनी फैमिली सपोर्ट की। डेफिनेटली यू आर अ प्राउड फॉर सितारा यासीन। यस मैम, सामने देखेंगे क्या? मैम सामने देखिएगा क्या? भरपूर क्लैपिंग करें सितारे यासीन के लिए, बहुत दूर से आई है। चलो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सबकी पिक्चर्स हो गई, सब कुछ हो गया। अब जो है ना यहाँ पर अब खाना लेते हैं, मैं और ताहिरा सिस्टर जो है ना एक साथ खाएंगे। आया तो उसके पापा वो रहे, वो खाना खा रहे आराम से बैठ के, हम बैठ के अपना खाना खाएंगे। अल्लाह बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत इंजॉय। आपने देखा सब इंजॉय करते रहे। आयत अभी इसको संभालने में बहुत ज़्यादा थक। खैर मुबारक, कैसा लगा देख के? कितना वजनी है? अच्छा आप उधर ही थे उस टाइम, रश बहुत ज्यादा था ना? हाँ खाना खा लिया और देखें पहले कितनी रौनक थी, अभी सब जा चुके हैं और हम भी चलते हैं। आ जाओ आयत, और इस जगह को बाय बाय करते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और ये पिक्चर तो मुझे हमेशा याद रहेगी। ये हमारी आयत, वो देखो वहाँ पर, मेरे हस्बैंड अभी तक वहीं पर है, उसे पिक्चर दिखा रहे हैं, मम्मा की पिक्चर है। तो देख के वहीं पर ही रो रही है कि मम्मा कहाँ चली गई। अपने घर की तरफ होटल पे चलना है या फिर इधर चलना है, अभी कोई आइडिया नहीं है ना। लेकिन आज का दिन जो है ना मुझे कभी भी नहीं भूलेगा, एक बहुत ही यादगार दिन बना है, बहुत स्पेशल था मेरे लिए और आप सबके लिए भी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मैंने आज दिल से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है और थैंकफुल हूँ आप सब की, अपनी अम्मी की, सब की। अम्मी भी देख रही होंगी वीडियो, तो थैंक यू सो मच अम्मी। आपने कहा था कि लाजिम जाना, ऐसे मौके कभी भी नहीं छोड़ते, तो बहुत अच्छा लग रहा है बस। और आपका भी थैंक यू, आपकी आपकी वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। और आयत को आपने जो इतना टाइम संभाल के रखा है, ऐसे इवेंट में आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा लगा, दिल से इनवाइट किया है। हाँ आना चाहिए बिल्कुल। अभी इस लोकेशन को हम बाय बाय करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो मम्मा बैठिए, मम्मा बैठिए, इसको लगा शायद मम्मा नहीं है। तो हम आ चुके हैं अपने रूम पे होटल में। तो बस मैं कब से इसको ही देखे जा रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। इतना अच्छा ये मुझे बॉक्स मिला है, वहाँ पर सिर्फ ये दो ही इस तरीके के वुडन बॉक्स थे जो कोई इतना खूबसूरत, और जिसके अंदर इस तरीके की गोल्ड शीट थी, वो सिर्फ दो ही थे जो कि जिनकी एक पिक्चर वहाँ पर लगी हुई थी, यास्मीन फारूकी जो कि पीटीआई की सोशल वर्कर हैं, बहुत नाम है उनका, एक उनकी थी और एक मेरी थी, ये सिर्फ दो ही वहाँ पर थे। नहीं करो वीडियो बनाने दो, बहुत तंग करती है ये लड़की। तो इसको जो है ना मैं जितनी बार भी देखूं मेरा दिल नहीं भरता इससे, और मुझे इसको देख के बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है। और मुझे एक अपना वो वाला टाइम भी याद आ रहा है जब मैं क्लासेस लेने के लिए जाया करती थी, मेकअप की, मेकअप कोर्स होता था और उसमें एडवांस क्लासेस होती थी, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट आया करते थे, बाहर के मुल्क से आया करते थे, और उसमें बहुत ज्यादा रश होता था और हम सबसे पीछे बैठते थे, और हमारी वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को बुलाया भी जाता था, उनके नाम भी लिए जाते थे, तो किसी को किस चीज़ का अवार्ड मिल रहा होता था, किसी को किस चीज़ का, हमने भी वहाँ से वो क्या बोलते हैं अवार्ड लिए थे, जैसे कि एडवांस क्लासेस के लिए। ज़्यादा रश भी होता था और बहुत ज़्यादा एक शोर भी होता था, कुछ सुनाई देता था कुछ नहीं सुनाई देता था। तो वहाँ पर आज मुझे वो अपना टाइम याद आ रहा था जहाँ मैं सबसे पीछे हम बैठते थे और बिल्कुल भी वहाँ पर आवाज़ भी नहीं हुआ करती थी, तो बहुत कम सुनाई देता था। लेकिन क्या है कि मुझे एक शौक था हम सबको कि हमें सीखना है, इसमें आगे बढ़ना है, और वहाँ से आज मैं अपना ये वाला टाइम देखती हूँ जहाँ पर जाते ही
वहाँ जो सामने एक पोस्टर लगा था उस पर मेरी तस्वीर थी, तो बहुत ज़्यादा एक मैंने आंख में ऐसे खुशी के आंसू भी आते हैं अपने ऊपर, मैंने ऐसे कंट्रोल किया। एक वो वाला टाइम याद आता है जब हम सबसे एंड में पीछे बैठे थे और आज इंट्री में ही जैसे हम गए, इतना अच्छा हमारा वेलकम हुआ और मुझे ये चीज़ दी जिसके लिए मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है। और थैंक यू सो मच आप सबका, आप सबने मिल के मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया कि आज मैं इस काबिल हूँ कि मुझे आज एक बेस्ट ब्लॉगर का एक ये मिला है। और हर किसी हर औरत को यहाँ पे मिल रहा था, वुमेन डे को जैसे सेलिब्रेट किया गया तो वहाँ पर और भी बहुत सारी डॉक्टर हो गई, कुछ टीचर हो गई, कोई कहाँ से था कोई कहाँ से था, तो वहाँ पे मेन मुझे रखा गया कि सितारा यासीन एक छोटे से गांव से निकल के आई तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आज वो इस मकाम पर है कि उसको ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और मैं अपने अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मैं अपना गुजरा हुआ टाइम जो है ना कभी भी ना भूलूँ। कहते हैं जो गुजरा हुआ टाइम इंसान भूल जाता है तो वो अपने एक नए टाइम में जब जीना शुरू कर देता है अपना गुजरा हुआ कल भूल जाता है, तो मुझे लगता है कि ना अल्लाह से भी दूर हो जाता है कि मैं कभी भी अपना गुजरा हुआ टाइम ना भूलूं, क्योंकि जो वक्त हमारा गुजर गया मैं उसको हमेशा याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो ऐसे ऐसे टाइम से निकल के आते हैं, वो अपना गुजरा हुआ टाइम ऐसे 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 भूलते हैं जैसे वो कभी ऐसे टाइम से गुजरे ही नहीं थे और उनको हमेशा शुरू से ये सब कुछ मिला है। तो मुझे लगता है कि ना अपना टाइम कभी भी नहीं भूलना चाहिए, इससे आप अल्लाह के हमेशा क्लोज रहते हो, अल्लाह से हमेशा एक जुड़े रहते हो। तो बस, तो थैंक यू सो मच, मैं इसको देखती रहूंगी और मुझे और हिम्मत मिलती रहेगी कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं और ताकि इस तरीके के मौके मेरी लाइफ में आए और इंशाल्लाह और आगे भी आएंगे। तो बस इसके साथ अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच दिल से, थैंक यू सो मच जितना भी बोलूं उतना कम है। तो सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे क्यों गई है, किस वजह से गई है, तो मैं स्पेशली इस वजह से आई थी इसको लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच अम्मी, इसमें अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे हस्बैंड हो गए, मेरे बच्चे हो गए, सबका है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।